सरकार नक्सलियों का कड़ा जवाब दे रही है। प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस कड़ी में सीएम ने आज यूनिफाइड कमांड की बैठक ली और नक्सल क्षेत्र पर गांवों पर चर्चा की है। नक्सलियों की कमर तोड़ने का प्लान भी तैयार किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले 6 महीने में प्रदेश में कई बड़े नक्सल ऑपरेशन हो चुके हैं और नक्सलियों की साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक की है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांवों के विकास पर चर्चा की और आगे के रोड मैप पर बातचीत की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में नियत नेल्लानार योजना शुरू की गई है। योजना के जरिए नक्सल क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूर संचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो, किसी भी काम के लिए संसाधन की कमी ना हो, ये तय किया गया है। नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेल्लानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। हर साल यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है। इसमें फोर्स और प्रशासनिक टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ काम को लेकर बातचीत होती है। रायपुर में यह बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस के छत्तीसगढ़ चीफ और स्टेट पुलिस के चीफ की हैसियत से डीजीपी शामिल हुए। फोर्स और सरकारी विभाग मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, रेल, अस्पताल और स्कूल का काम करेंगे, ये तय हुआ है। तो सीएम साय ने कहा है कि सरकार नक्सलियों से लोहा ले रही है। हमारे जवान नक्सलवाद के खात्मे के लिए डटे हुए हैं। हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सफलता भी मिल गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है। इसके तहत गुरुवार को धमतरी में सुरक्षा बलों को नक्सलियों की ओर से इकट्ठा किया गया राशन मिला। नक्सलियों ने सुरंग खोदकर ये राशन डंप किया था। बताया जा रहा है नक्सलियों ने ग्रामीणों को डरा धमका कर लेवी और राशन को इकट्ठा किया था। करीब 3 महीने का ये राशन बताया जा रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश नक्सल क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा में लाना है और नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। तो काले धन के खिलाफ देश की लड़ाई जारी है, तो वहीं